आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ले लेता हूँ. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितने पे लिया, कितनी क्वांटिटी? 10,000 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर्स एट द रेट 57.50. ये भी ट्रेडिंग के लिए? दिशा ये भी ट्रेडिंग का है क्या? हाँ सर, शॉर्ट टर्म. गौरांग सर, गौरांग सर को बुलाया था मैंने कि सब पूछते हैं फंडामेंटल व्यूज, आज सब टेक्निकल में बिजी है. गौरांग सर भाई, आईडीएफसी जैन साहब की क्वांटिटी तगड़ी रहती है, इसमें भी 10,000 शेयर ले लिए हैं, 3 रुपए का फायदा यहाँ पे भी हो रहा है. उधर के 2.5 हो गए, इधर के 30. मैम 2.75 लाख तक की ज्वेलरी आ सकती है आपके लिए. आईडीएफसी फर्स्ट में कोई ट्रेडिंग बैठे क्या? मैं इनको अपना नजरिया बदलने की राय दूंगा आशीष. ये मेरे ख्याल से ये भी एक सर्वोच्चम स्तर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का. और मैं राय बदलने के लिए इसलिए इनको दूंगा कि छोटी अवधि या मध्यम अवधि का नजरिया न रखे, क्योंकि इनके नतीजों में और इनके कारोबार को लेकर के, रणनीति को लेकर के बहुत ही सकारात्मक रुझान अब दिखाई देता है. और जो भी ग्रॉस और नेट एनपीए को लेकर के बैलेंस शीट पर दबाव था, आंकड़ों पर दबाव था, अब वो इतिहास हो चुका है. तो आपने 10,000 शेयर लिए और बैंक एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले तिमाहियों में नतीजे और सक्षम और मजबूत आएंगे, जिसके आधार पर इसके जो शेयर के दाम है वो शायद यहां से और ऊपर जा सकते हैं. और ये अगर मेरे ख्याल से आशीष ये 62 या 65 के पार निकल गया तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही तीव्र गति से और ऊपर जा सकता है. ये मैं एक तकनीकी टोपी पहनकर आपको राय दे रहा हूं, लेकिन बुनियादी दर के आधार पर एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है. अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, आप अपना समय सीमा कम से कम साल भर के लिए बदल सकते हैं, तो मेहरबानी करके बदल करके लंबी अवधि के लिए इसको बनाए रखिए. बढ़िया है भाई, इसको चाहें तो ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट पे तब्दील कर लीजिए, रख लीजिए थोड़ा, बढ़िया मुनाफा कमा के देगा. लेकिन दिशा, डैड की ट्रेडिंग आई बहुत सॉलिड है.